सुमी पर सवाल आया है, फेसबुक पर नारायण जी ने सवाल भेजा और उनका सवाल है संवर्धन मदरसन पर 500 शेयर्स हैं, 1850 पर इनकी खरीदारी इन्होंने की हुई है और इनके खरीदारी से तो काफ़ी नीचे आ चुका है, इस पर 65-70 पर कारोबार कर रहा है और करीब 7,000 का नुकसान इनको स्टॉक में हो भी रहा है। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक डाउनवर्ड प्रेशर बना ही हुआ है। नितिलेश, आप क्या सजेस्ट करेंगे संवर्धन मदरसन में और क्या कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे इनको? देखो, एक ही चीज हम लोग इसमें कह सकते हैं, स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से काफी करेक्ट हुआ है। गैप डाउन होने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली 3 दिन फिसलता हुआ है, तो 62 रुपीज का एक हम लोग स्टॉप लॉस को ले सकते हैं। जहां से अक्टूबर 2022 से जो रैली चालू हुआ था वहाँ एरिया, उस एरिया को हम वही पे आके रिटेस्ट कर रहा है, तो 62 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये काउंटर कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इसको फिर एक रेजिस्टेंस आएगा 70 से लेके 75 इस जोन में, तो वहां पे एक बार रिव्यू करना, और मुझे लगता है जितना जल्दी आप इस स्टॉक से निकलोगे तो अच्छा हो सकता है। ठीक है, संवर्धन मदरसन लगातार इस पर मुश्किलें गहराती जा रही हैं, 65 रुपए के आसपास का ये शेयर हो गया है। ठीक है, संवर्धन मदरसन पर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे। जयपुर से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? हेलो राजेश जी, आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एफएल इंडिया के शेयर है सर, 115 शेयर है, 115 1171 की खरीद है सर, लॉन्ग टाइम व्यू है। 1173 की खरीद है, 115 शेयर हैं, 24,299 रुपए का नुकसान हो रहा है इनके एफएल इंडिया के पोर्टफोलियो पर। ठीक है सौरभ जी, एफएल इंडिया हमने देखा है कि ये शेयर जिन्होंने लोअर लेवल्स पर लिए होंगे उनको तो रिवॉर्ड किया है, कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक ही है, सॉलिड ही है और बढ़िया, एक ठीक ठाक अच्छे सेगमेंट में ये ऑपरेट करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग वाला शायद इनका कुछ बिजनेस है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल के करेक्शन के बाद भी ऊपरी लेवल से अभी भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा हैं, आपको भी ये कंसर्न दिखता है क्या? अगर इसको शेयर को यहां से और ऊपर जाना है, यहां से और ग्रोथ अगर दिखनी है तो किस तरह से आप राय देंगे इस पर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक अभी भी महंगा दिखता है, 10 या 11 टाइम्स मल्टीपल पे बुक वैल्यू पे चल रहा है और पहले ये काफी ऊपर बिक रहा था। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो तकरीबन आज भी 15,000 करोड़ की है। अगर आप रेवेन्यू स्ट्रीम देखें तो तकरीबन 450-400 करोड़ रुपए का क्वार्टरली रेवेन्यू करते हैं और 70 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं तकरीबन। उसके लिहाज से मुझे लगता है कि बिजनेस तो सॉलिड है लेकिन सही वैल्यू पे नहीं है, यहाँ पर आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो काफी वीक है। मुझे लगता है स्टॉक अभी भी और गिर सकता है जिस तरह का एनवायरमेंट चल रहा है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, ग्रोथ स्टॉक्स में कंसिस्टेंटली सेलिंग आ रहा है, वैल्यू की तरफ थोड़ा रोटेशन हो रहा है और ओवरऑल इक्विटी में भी थोड़ा कम दम लग रहा है, काफी कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं इक्विटी बाजार में, तो उस लिहाज से भी एफएल इंडिया मुझे लगता है कि पिटाई हो सकती है और पिटाई हो सकती है, तो कोशिश करें आप इसमें से निकल जाए तो बेहतर रहेगा।